खाई जा रही हरियाली पकोड़ा चाट। हरियाली पकोड़ा चाट बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन पेस्ट जो मैंने स्पिनच से बनाई है, ग्राम फ्लावर, बेसन, ग्रीन चटनी, सॉल्ट, जलजीरा पाउडर, मलबारी सेव, स्वीट चटनी जो इमली की है, अपना ककुम्बर एंड टोमेटो की स्लाइस, ये है कोरिएंडर लीव्स, पोमीग्रेनेट, गरम किया हुआ दही और ऑयल। हरियाली पकोड़ा चाट के लिए सबसे पहले हम हरियाली पेस्ट बना लेते हैं पकोड़ा की। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले रहे हैं, उसमें हम 1/4 कप बेसन ले रहे हैं, ग्राम फ्लावर। हमें पकोड़ा का खीरा रेडी करना है, उसमें हम ये ग्रीन पेस्ट डाल रहे हैं जो मैंने स्पिनच से बनाई है। अगर आप स्पिनच नहीं खाते हो तो आप कोरिएंडर और पुदीना की भी ग्रीन पेस्ट डाल के पकोड़े बना सकते हो। हमने बॉईल करते वक्त इसी में कुछ भी नहीं डाला हुआ है। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे, हल्का सा जलजीरा पाउडर डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं, इसमें हमें पकोड़े का खीरा बनाना है। हम जनरली जब पकोड़े बनाते हैं तो पकोड़े के खीरे में हम उसको फुलाने के लिए बेकिंग सोडा डालते हैं, बट आज हम पकोड़े को ज्यादा फुलाएंगे नहीं, इसे बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे क्योंकि हमें इसकी चाट बनानी है। हम इसमें सिर्फ गरम किया हुआ ऑयल डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारा हरियाली बैटर रेडी है। अब हम इसमें ककुम्बर और टोमेटो की स्लाइस डाल के पकौड़े डीप फ्राई करते हैं। हमने पकौड़े के लिए ऑयल को हमने गैस पे रखा है कढ़ाई में, वो गर्म हो तब तक हम दही की प्रोसेस कर लेते हैं। हमने ये दही लिया है जो मैंने 2 मिनट माइक्रोवेव में गर्म कर दिया है। अभी हम ऊपर का पानी निकाल के उसको अच्छा गाढ़ा फैट लेंगे। हमने दही में से पानी निकाल लिया है, अब हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे और इसकी एक गाढ़ी पेस्ट बना लेंगे। जैसे हमें चाट पे डालना है इसलिए हमें ठीक चाहिए दही पूरा। आप दही में चाहो तो चाट मसाला, जलजीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट कुछ भी डाल सकते हो। अभी हम इसमें दाड़म के दाने डाल रहे, जो हमने पोमीग्रेनेट निकाला है वो हम थोड़ा ऐड कर रहे। अगर आप नहीं खाते हो तो ना डालें। और थोड़ा सा हम कोरिएंडर लीव डाल रहे और दही में हम थोड़ा सा जलजीरा पाउडर डाल रहे। अब इसको हम अच्छे से बीट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पकोड़ा चाट के लिए हमारा दही रेडी है, हमारा ऑयल भी गरम हो गया है। अब हम ये चाट के जो बैटर बना है उसमें गरम ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना हमको डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है वापस। हमने जो ये ककुम्बर और टोमेटो की स्लाइस की हुई वो पकोड़े के खीरे में डाल के हम पकोड़े रेडी करेंगे। हम ये स्लाइस डाल रहे टोमेटो की, अच्छे से कोटिंग हो गया है। अब हम ऑयल में, गरम किए हुए ऑयल में डाल रहे। अब हम ककुम्बर की स्लाइस को डाल रहे, गैस को स्लो कर देना है। हम सारे हमारे पकोड़े बना रहे। आप इसमें अपने पसंदीदा वेजीज डाल सकते हो, फ्लावर के भी पकोड़े बना सकते हो। बस ध्यान रखना है कि जब हम चाट बनाए पकोड़ा की तो उसमें हमें खीरे में बेकिंग सोडा नहीं डालना है। हम पकोड़े को अच्छा क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करेंगे। आप देखिए हमने इसमें सोडा नहीं डाला है फिर भी हमारे पकोड़े बढ़िया क्रिस्पी और फूल रहे। पकोड़े हमारे डीप फ्राई हो गए, हरियाली पकोड़े को हम एक प्लेट में निकाल गए। वैसे ही हम अपने दूसरे पकोड़े भी रेडी कर लेते हैं। हमने अपने हरियाली पकोड़े डीप फ्राई कर लिए, अब हम चाट का प्लेटिंग करते हैं। हम अभी हरियाली पकोड़े चाट का प्लेटिंग कर रहे।
अभी इसके ऊपर जो दही तैयार किया है गरम किया हुआ, दाड़म और कोरिएंडर लीव्स डाल के वो डालेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से चाट में ज्यादा कम कुछ भी कर सकते हो। अब हम ऊपर से स्वीट चटनी जो मैंने इमली एंड खजूर से बनाई हुई है और गुड़ डाल के बनाई वो डालेंगे। अब हम ऊपर से हरा धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली डाल के जो हमने ग्रीन चटनी बनाई है वो डालेंगे। हम ऊपर से थोड़ा सा जलजीरा स्प्रिंकल करते हैं। जलजीरा में चाट का फ्लेवर थोड़ा स्ट्रांग आता है, इसलिए मैं ये पसंद करती हूँ डालना। हम ये मलबारी बारीक सेव है वो डालेंगे। ऊपर से पॉमीग्रेनेट डाल रहे, ये ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं पसंद हो या आप नहीं खाते हो तो मत डालिए। ऊपर से हम चॉप किए हुए धनिया डाल रहे। हम अपना जो ये हरियाली पकौड़ा उसको बीच में से कट कर रहे, आप देख सकते हैं हम इसको सर्विंग में रख रहे। तो सर्व करने के लिए ये रेडी है यम्मी यम्मी डिलीशियस हरियाली पकौड़ा चाट। रोज का सवाल क्या बनाए, पाए उसका जवाब। डाउनलोड करो सुबनो ऐप, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।